हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें शरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उद्यम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें शरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी,
जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गाँव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी।
बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में
मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर
नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरल मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरल मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के
इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे।
निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हां दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरल मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें शरद मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें शरद मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी,
जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी।
बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में
मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर
नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें शरद मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें शरद मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के
इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्र गौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है, जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्र गौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्र गौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे।
निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नाद नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गाँव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नाद नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को अब फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवम्बर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी
2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को अब फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को अब फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी।
बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलया
मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हां दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गाँव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर
नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के
इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्र गौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्र गौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्र गौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे।
निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपल्ला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गाँव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचेक में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उद्यम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी
2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी।
बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में
मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलाइका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्धाच का अध्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर
नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उद्यम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उद्यम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म उद्याक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के
इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है, जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है, जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे।
निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिक्कन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरल मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिक्कन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचे में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिक्कन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मडचे में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उद्यम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, पीवी रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म का सीक्वल है जिसमें सरण मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी
2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को अब फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी उपाध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह 2024 के कन्नड़ा भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनिल कुमार द्वारा निर्मित और स्मृति उमापति द्वारा निर्मित है। इसमें चिकन्ना उनकी पहली मुख्य भूमिका में है। बाकी कलाकारों में मलायका वासुपला, PV रविशंकर, साधु कोकिला, वीना सुंदर और धरना कदुरा शामिल हैं। यह फिल्म अध्यक्ष का सीक्वल है जिसमें सरड़ मुख्य भूमिका में थे। निर्देशन अनिल कुमार ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। मुख्य अभिनेता में चिकन्ना नजर आएंगे। इस फिल्म को 26 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म कन्नड़ भाषा की थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म एक ग्रामीण नारायण के बारे में है जो चीथू संघ का उपाध्यक्ष है और वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति अपने स्नेह के कारण राष्ट्रपति पद पर पदोन्नतर होने से इनकार कर देता है। उनका ग्राम प्रधान शिव रुद्रगौड़ से विवाद चल रहा है कि मंडीचय में जिले के केंजेपुरम गांव में रहने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब शिव रुद्रगौड़ की सबसे छोटी बेटी अंजलि का नारायण से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता द्वारा किए लिए गए ऋण के बदले उसे घर की दासी के रूप में काम करना पड़ता है। फिल्म में नारायणा के रूप में हमें चिकन्ना नजर आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की शूटिंग 17 जुलाई 2022 को मंडीचय में शुरू हुई थी, जिसके बाद मैसूर में एक व्यापक शूटिंग हुई और फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को अब फर्स्ट लुक और ट्रेलर अभिनेता शिवराज कुमार द्वारा जारी किया गया था। फिल्म की संगीत अर्जुन ज्ञान ने तैयार किया और पहला एकल शीर्षक नेजू नीनू नवंबर 2023 को जारी किया गया था। उपाध्यक्ष को भारत में 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मूवी का डिजिटल अधिकार सन NXT द्वारा अधिगृहित किया गया और इसका प्रीमियर 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ। मूवी सैटेलाइट अधिकार उदम TV द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है।